বন্ধ হয়ে গেল চন্দননগরের গোন্দলপাড়া জুট মিল। কর্মী বিক্ষোভ এবং প্রোডাকশন কমের কারণ দেখিয়ে টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কারখানার গেটে। কর্মহীন হয়ে পড়লেন প্রায় 4000 শ্রমিক। এর আগে গত সপ্তাহে এরকমই একটি নোটিশ ঝোলানো হয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সরকারি হস্তক্ষেপে মিল কর্তৃপক্ষ কারখানা চালু রাখে। আজ পুনরায় সেই একই রকম নোটিশ দিয়ে কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিল কর্তৃপক্ষ। हम लोग का मिल बढ़िया ही चल रहा था, इसके बीच में कुछ डिस्टर्ब हुआ लॉकडाउन फॉकडाउन ये सब कर ले करके, तो मालिक बोला हम नहीं चलाएगा, बंद कर देगा। तो यूनियन लोग मीटिंग विटिंग करके कुछ मैंने उसको एग्री किया, तो बोला कि ठीक है हम सप्ताह में 3 दिन चलाएंगे। तो 3 दिन पर सब मजदूर एग्री हो गया, चलो भाई कुछ भी तो चलेगा। वो 3 दिन चलाया, उसके बाद फिर अचानक ये हम लोग सुबह आ जाएँ नोटिस देखते हैं लग गया सस्पेंशन का, बोला मिल बंद और हम नहीं चलाएं। वही तो लिखा है जो यहाँ पर मिल बंद है, और चलेगा कैसे, आप कैसे चलेगा, अब यहाँ का मजदूर करेगा क्या, इधर लॉकडाउन है ऐसे ही तो हालत बुरा है, आदमी कहीं बाहर जाने नहीं सही, कुछ करेगा नहीं तो कैसे संसार चलेगा उसका। वही सब बात है कि जब ये कंपनी जब से हम लोगों का मिल लिया है तब से तो खाली बंद का पक्ष में ज़्यादा रहता है, चलाने का पक्ष में रहता ही नहीं है। हुगली थे के पापू सात्रा, रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला।